सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। एंड आज हम एक पोर्ट्रेट ड्राइंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पोर्ट्रेट ड्राइंग का एक सीरीज बनाए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम पोर्ट्रेट की जो बैकग्राउंड है उसको कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक, और आगे के पार्ट अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस ड्राइंग की आउटलाइन को ग्रिड मेथड से कंप्लीट किया हूँ, और उसकी जो बैकग्राउंड की ग्रिड है उसे इरेजर की मदद से इरेज कर दिया हूँ। फटाफट से हम यहाँ पर कुछ मास्किंग टेप लगा देंगे। तो गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट की जो आउटर साइड की लाइन है उसको उभराने के लिए हमें चाहिए एक खत्म हुआ रिफिल वाला पेन, और उसे इंडेंटिंग टेक्निक की मदद से हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। After all giving strokes, सबसे lighter pencil मेरे पास अभी है 4H, वो भी अप्सरा की, but यहाँ पर मैं यूज करूँगा स्टेडलर की। मुझे लगता है स्मूथ सरफेस है और HB काम चल जाएगा। HB पेंसिल से बेस लेयर अप्लाई करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा लाइटेस्ट पेंसिल जो भी है वहाँ पर कीजिए, कोई भी ब्रांड हो, बट यहाँ पर आपको बहुत पीछे से पकड़कर और लाइटली शेडिंग करना है। अभी बेस लेयर को कम्प्लीट कर लेना है, उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश या फिर कॉटन से आप शेडिंग कर सकते हैं। बाकी जहां पर हमें लगेगा व्हाइट स्पॉट जैसे नजर आ रहा है वहां पर डबल इरेजर ही यूज करेंगे ताकि सॉफ्ट रिजल्ट आ सके। उसके बाद गाइस लेयरिंग करना है। बहुत ही लाइट से ब्लेंड करना है। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कॉटन की ब्लेंडिंग ब्रश, में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग ब्रश। उसके बाद हमें और कॉटन में राउंड राउंड सेट करके आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमें कोई भी ब्रांड की पेंसिल एक्स्ट्रा है तो कटर की मदद से पाउडर निकाल लेना है, स्मूथ ब्लेंडिंग कर लेना है, और जहां पर भी ब्लेंड नहीं हो पाया वहां वहां पर मेकअप ब्रश की मदद से बिल्कुल कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नोटिफिकेशन के लिए तो कर लेना सब्सक्राइब, और आपके लिए गाइस डेली ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना नहीं भूलना। तो सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।